दोस्तों को प्यार युवाओं बच्चों का हेलो हाय व्हाट्सएप। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फैंटास्टिक ब्रेनटास्टिक फैंटास्टिक कौन बनाया करोड़पति जूनियर, थैंक यू। ऑलराइट ओके ओके हो गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए जब हम अपनी अलमारी से एक दो साल पुराने कपड़े कभी निकालते हैं और अगर हम उसमें फिट नहीं हो रहे होते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो सालों के बाद फिट नहीं होते हुए भी बुरे नहीं लगते, उन्हें छूते ही कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो कपड़े हैं हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म। तो हमारे जूनियर्स ने आज अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और इनकी वजह से लगभग 65 साल के बाद मुझे भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का अवसर मिल रहा है। वो देखिए वो स्कूल का यूनिफॉर्म ही होता है जो हमारी जिंदगी का पहला फैशन बनता है। टाई कैसे बांधी जाए, ब्लेजर कैसे पहना जाए, जूते कैसे साफ किए जाए वगैरह वगैरह, डिसिप्लिन का अनुशासन का वो पहला लेसन होता है। वो स्कूल का यूनिफॉर्म ही है जो सबको एक समान बनाता है। देखिए ये सोच हमारे दिलों में स्कूल की यूनिफॉर्म ही पिरोती है बचपन की शान, उतनी ज्यादा बढ़ती है जितनी ये यूनिफॉर्म मैली होती है। किसी अफसर की तरह बच्चों की छाती तन जाती है जब प्रमोशन मिलने पर हाफ पैंट फुल पैंट बन जाती है। वो स्कूल की यूनिफॉर्म ही है जो पूरे स्कूल के दौरान हमारा साथ निभाती है। फेयरवेल पे खुद को ऑटोग्राफ से भरकर ये हमारी सबसे अनमोल निशानी बन जाती है, ये हमारी सबसे अनमोल निशानी बन जाती है। तो देवियों सज्जनों, इन जूनियर्स के सहारे आइए उन दिनों में वापस चलते हैं जो जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे, यानी स्कूल के दिन। आज सभी बच्चों ने अपने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये यूनिफॉर्म इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, जो मेरा मोटो है स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो मेरे को हमेशा ये मोटिवेट करता है कि मेरे को अपने गोल के पीछे हमेशा रहना है, हमेशा ट्राई करते रहना है। और जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ये कि आज स्कूल में क्या नया होगा, तो मैं जब यूनिफॉर्म पहनती हूँ मेरे अंदर वो जोश आता है एंड आई जस्ट गो टू स्कूल। Anyone else? Yes. मोटो या लोगो जो भी कहो वो है कि इट इज आवर फैमिली, वी मेक इट बेटर ईच पासिंग डे। और ये जो यूनिफॉर्म होती है उसी से हम लोग के स्कूल की शान पता चलती है कि हाँ हमारा स्कूल कितना अच्छा कर सकता है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। जब हमारा स्कूल कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करता है तो ये स्कूल की यूनिफॉर्म ही है जो सबको बताती है कि हाँ ये पोदार इंटरनेशनल स्कूल है और इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर पॉकेट का भी तो यूज होता है पैंट में। पॉकेट का? यस सर। यूनिफॉर्म पे? यस सर। आप पूछ रहे हैं हमसे? सर मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। सर जेब में सिर्फ पेन ही नहीं रखते, कचोरियाँ भी आती हैं। इधर से कोई है और? नो इधर ओके कम। सर मेरे स्कूल का ये मोटो है कि एवरी चाइल्ड इज अ फ्लावर एंड एवरी चाइल्ड एंड जस्ट लाइक अ फ्लावर हैज अ डिफरेंट स्मेल, ईच चाइल्ड हैज अ डिफरेंट टैलेंट। तो जब मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे भी ये बात समझ आती है कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है। ओह ओके ओके ऑलराइट। सर ने अपने अपनी बात बहुत बता दी, हमसे नहीं पूछा कि हमारे स्कूल का मोटो क्या, हमने पहना हुआ है उसे। सर बताइए ना प्लीज। हैं बताएं? यस सर। ओके
ये जो है ना बैज आप देख रहे हैं, ये हमारे स्कूल का बैज है, दिखाई दे रहा है? हमारे स्कूल की पढ़ाई हुई थी शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, बोर्डिंग स्कूल था। और ये जो मोटो है हमारे स्कूल का, ये है मिरियाट क्विस्क्यू पालमाम। ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लेट एवरी वन मेरिट हिज प्राइज। अगर आप प्राइज जीत रहे हैं तो आपका मेरिट होना चाहिए उस प्राइज को जीतने के लिए, ये हमारा मोटो था। तो हमारा स्कूल जो है वहाँ नैनीताल में पहाड़ों में था, वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। ऑलराइट, तो चलिए इसी बात पे स्कूल के दिनों को याद करते हुए खेलते हैं आज का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तालियां बच्चा इनके लिए। ऑलराइट बच्चे लोग तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? ऑलराइट रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अधिक पके होने पर केला किस रंग का हो जाता है? व्हाट कलर डू बनानास बिकम व्हेन दे ओवर राइप? और ये है ऑप्शंस आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, ए नीला, बी बैंगनी, सी हरा या डी भूरा। ब्लू, पर्पल, ग्रीन और ब्राउन। समय समाप्त हो गया, देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी भूरा ब्राउन। तो देखते हैं किन किन लोगों ने डी में ब्राउन में उत्तर दिया। वाह क्या बात है, सभी लोग केले खा रहे हैं। Alright, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? अन्विशा त्यागी, 1.35 seconds। Alright, बधाई बधाई बधाई। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि अन्विशा त्यागी ये पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर की लंबाई सबसे कम होती है? The length of which of these animals would be the smallest? और आपके options ये है आपके सामने, A नीली whale यानी कि blue whale, B anaconda, C giraffe और is it केचुआ यानी earthworm? समय समाप्त हो गया, सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? D earthworm, केचुआ जो है उसकी लंबाई सबसे छोटी होती है। और D में देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया। सभी ने समय, ओहो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब। और सबसे कम समय किसका लगा? अन्विशा एक बार फिर, अन्विशा त्यागी 1.7 seconds। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अन्विशा आगे चल रही थी और अभी भी वो नंबर वन स्थान पर है। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नई ट्रेनें चलाने का निर्णय भारत सरकार के किस स्तर पर लिया जा सकता है? The introduction of new trains is a decision that can be taken at which level of India's government? और आपके options ये हैं आपके सामने, A केंद्रीय, B राज्य, C जिला या D ग्राम। Central, state, district और village level। हो गया समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है central, केंद्रीय, central is the right answer। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। फिर से सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। और सबसे कम समय आदित्य श्रीवास्तव 0.98 seconds। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? जीत गए अन्विशा, थैंक यू सर। तो हमें बोलना चाहिए आपको, आप पहली कंटेस्टेंट है जो कार्टव्हील करके यहाँ पहुंची है। ओके अन्विशा जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, प्यार देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तालियां बज जाए जोरदार। दर्शक जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, बहुत ही चुलबुली कार्टव्हील करती हुई अन्विशा त्यागी जी, ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं
और ये वसई महाराष्ट्र से आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अनुषा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अनुषा जी, यस सर, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, जो कंप्यूटर जी, इन्होंने आपका रिपोर्ट कार्ड भेजा हुआ है। ओके। हम चाहते हैं सब लोग देखें उसे। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये नाम है इनका, अनुषा त्यागी, ऑल्सो लड्डू। मम्मी बुलाती है। पर लड्डू आमतौर पर वो होता है जरा गोल गप्पा। आप तो एकदम दुबली पतली हैं, लड्डू किसी भी प्रकार से नहीं है आप। क्या करूं, मम्मा की चॉइस। उदार इंटरनेशनल स्कूल, लाइक्स राइटिंग पोएट्री, डांसिंग एंड एक्टिंग। हमारे पेट पे लात मार दीजिएगा आप। डिसलाइक्स, स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। ओहो, ये तो हमारी आपकी बात मिलती है। हमको भी बहुत डर लगता है उनसे। सेम पिंच है ना? या कूल। और हर डांस टैलेंट इज अचीवमेंट, टैलेंट रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय कोरिया रेमो डिसूजा। रियली एंड वेरी फोकस्ड एंड सिंसियर। ऑलराइट। अच्छा, अभी हमने रिपोर्ट कार्ड में देखा कि आपको राइटिंग, पोएट्री, डांसिंग, एक्टिंग, तीनों चीजें पसंद हैं। yes. अगर हम आपसे कहें कि किसी एक को चुने आप, तो क्या बनना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे आप? सर, वैसे तो मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ऑलराइट। डांसिंग तो मेरा पैशन है। ओके। और ये होती है ना पोएट्री, हॉबी होती है, हॉबी है मेरी। तो क्या चूज करेंगे, डांसिंग या एक्टिंग? सर देखिए, मैं एक्टर, ये मत कहिएगा कि एक्टिंग में डांसिंग बहुत होती है। वो तो है। हाँ, होती तो है, बट एक्टिंग के लिए डांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये कैसे पता कर लिया आपने कि एक्टिंग के लिए डांसिंग बहुत जरूरी है? आजकल जो म्यूजिक वीडियोस होती हैं मूवीज में, वो तो एक अलग ही अट्रैक्शन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, मूवी तो बहुत फेमस होती है, उससे ज्यादा हो जाता है सॉन्ग फेमस, हजारों लोग उस पर रील बना रहे हैं, स्टेप कर करके डाल रहे हैं, तो इसलिए डांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सर सॉरी, वो मैं ना बोलते वक्त थोड़ा स्पीड पकड़ लेती हूँ, पता नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं आराम से बोला करो, पर क्या करूँ, एक बार ना फ्लो में पकड़ लिया ना तो ऐसा होता है। सॉरी, बस यही पूछने वाला था, कंपेनिंग ग्रुप में किससे लाएंगे आप? अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ जी। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी और कविता जी, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट अनुषा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने के, लेकिन हमें आज खेलना है, खेल बातें करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है? तो अनुषा, आप स्पॉटलाइट पे हैं, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, तो उनको हम दोहराएंगे नहीं। लाइफ लाइन्स के बारे में आपका ध्यान जो है हम उस तरफ आकर्षित करेंगे। यहाँ तो आपको अभी तीन लाइफ लाइन दिख रही है, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट, और लास्ट लाइफ लाइन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। ऑलराइट, तो तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। ये लाइफलाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट प्रकट होंगे, जिनसे ये सवाल का सही जवाब मांग सकते हैं। और आज के एक्सपर्ट हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता जी, ये एक जानी मानी ऑथर हैं और क्विजर भी हैं। अर्चना जी हैं क्या हमारे साथ? नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार। नमस्कार अन्वेषा। नमस्कार अमित जी। थैंक यू सो मच। जी जी, सबको यूनिफॉर्म में देख के एकदम स्कूल की याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं बता आपको कई बार देखा है केबीसी में, आप हमेशा आती हैं, और जब भी ये आई हैं, न केवल उन्होंने सही उत्तर दिया है, पर उसका जितना इतिहास है उस क्वेश्चन का, आगे पीछे क्या था, पूरी कहानी इनको मालूम है, ये ऐसे क्यों आया। थैंक यू सो मच अर्चना जी, एक बार फिर जोरदार तालियां। और इनकी जो चौथी लाइफ लाइन है वो है सुपर पावर्स का सुपर हीरो, यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे, और इस सवाल का सब्जेक्ट वो होगा जो उन्होंने चूज किया होगा। तो लेकिन ये ज्ञाननाथ जी तभी एक्टिवेट होंगे जब ये पहले पड़ाव, यानी कि पांच प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद ही वो पार करेंगे। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? ओके अन्वेषा जी, रेडी? पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की टॉफी नहीं है? Which of these is not a type of sweet or candy? A. Lollipop. B. Chocolate bar. C. Samosa. D. Cotton candy. Sir, please lock option C. Samosa. C पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, है कि नहीं? Yeah, okay. इतनी सारी कैंडी का नाम देखकर आपका मन खाने का तो ललचाई होगा।
मिठाई वगैरह पसंद है कि नहीं? बहुत पसंद, बहुत ज्यादा पसंद। ये मम्मा लड्डू इसलिए बुलाती है, मैं बहुत मिठाई खाती हूँ। मेरी फेवरेट जो मिठाई है रसगुल्ला। अरे बाप रे, यहाँ पे तो ना मुंबई में मिलता नहीं है अच्छा रसगुल्ला। मेरा उत्तर प्रदेश है ना, उधर मस्त मिलता है। सर सर आपको आप, आपकी उम्र 11 साल है या 111 साल? 11। कितना कुछ बोलते हैं आजकल के बच्चे, अद्भुत। ऑलराइट, आगे चलते हैं अनुषा। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन एक के पॉप बैंड या कलाकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ के पॉप बैंड और एन आर्टिस्ट? ऑप्शन सुनिए, ए BTS, बी ब्लैक पिंक, सी इट्सी या डी जस्टिन बीबर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जस्टिन बीबर। डी पे थोड़ा लगाया जाए, इज द राइट आंसर। BTS, ब्लैक पिंक और इट्सी सभी लोकप्रिय कोरियाई पॉप बैंड्स हैं। जस्टिन बीबर कनाडा के संगीतकार हैं। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स अन्विषा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह से दो और तीन से विभाजित होती है? विच ऑफ दीज नंबर्स इज फुली डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री? ऑप्शन सुनिए, ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। 4, 6, 8 या 10? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 6। बी पे ताला लगा जाए। Well done, Anvisha is the right answer. Sir, एक secret बताऊं? हाँ। Actually, मम्मी है। मेरी मम्मा ना मैथ की टीचर है अपने स्कूल में। बट क्या है, मम्मी हमेशा मैं बोल कान में बोलती हूँ। हाँ, कान में बोलिएगा। मेरी मम्मा ना मैथ की टीचर है, और ना क्या होता है कि वो हमेशा फोर्स करती रहती है कि मैथ्स का रिवीजन क्या करो, मैथ्स का रिवीजन क्या करो। पर क्या है, मुझे पसंद नहीं है मैथ। मतलब पसंद है बट इतना ज्यादा वो नहीं है उसमें। ओके, हमारे आपके बीच में बात रही। सुन लिया सर, हम लोगों ने सुन लिया। सुन लिया जनता ने? मैंने कुछ नहीं सुना। अब सुनने वाली है। इन्होंने क्या बोला हमारे कान में कि इनकी माता जी मैथ की टीचर है, मैथ पढ़ाती रहती है बार बार, लेकिन कहती है कि तुम पढ़ती नहीं हो ठीक से, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी मैथ थोड़ी सी वीक है, लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ओके, ऑलराइट। ओके देव संजो, देखिए तुरतुक भारत का छोटा सा और बहुत ही सुंदर गांव है, जो कि काराकोरम और हिमालयन रेंजेस के बीच में ये स्थित है। पहले तुरतुक जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 के बाद वो भारत का हिस्सा बन गया। और आज मैं बता दूं आपको देवेंद्र संजो, तुरतुक वैली स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ आज यहाँ ऑडियंस में आए हुए हैं और उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि इनका आभार प्रकट किया जाए और इनका स्वागत किया जाए तालियों के साथ। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कैसी जगह है आपकी तुरतुक? सुंदर लगती होगी बहुत, पहाड़ों के बीच है कि नहीं? ऑलराइट, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ। ओके अन्विषा, आगे चलते हैं, आएगा चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5000 पॉइंट्स। रेडी? Yes, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द आमतौर पर टेक्स्ट या छवियों के माध्यम से ऊपर या नीचे करने या सोशल मीडिया पर ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ दीज वर्ड्स इज यूज्ड टू रिफर टू मूविंग अप और डाउन थ्रू टेक्स्ट और इमेजेस और ब्राउजिंग थ्रू सोशल मीडिया? ओके, ऑप्शन सुनिए, ए स्क्रोलिंग, बी फॉलोइंग, सी सेविंग, डी अपलोडिंग। प्लीज लॉक ऑप्शन ए स्क्रॉलिंग। ऑप्शन ए स्क्रॉलिंग, हेलो लगाया जाए। वेल डन अनुषा इज द राइट आंसर। सोशल मीडिया पर सभी स्क्रॉल करते रहते हैं और ये समय बर्बाद करने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। हम लोगों का मन जो है ना एक चीज पे टिकता नहीं है,
एक चीज पढ़ा, चलो स्क्रॉल करो, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया। और कभी कभी ऐसा लगता है अरे एक काम करते पहले वो देख लेते हैं, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। यू आर टू ब्रिलियंट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए ऑलराइट हमेशा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव, इसका मूल्य है 10,000 पॉइंट्स। रेडी अनुषा? पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या प्रभु देवा अभिनीत एक हिंदी फिल्म के शीर्षक का नाम है? Which of these refers to the title of a Hindi film starring प्रभु देवा? ऑप्शन सुनिए, ए LMNO, बी ABCD, सी HIJK, डी WXYZ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ABCD। खिल खिलाते हुए बोल रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मेरी फेवरेट मूवी है। आपकी फेवरेट मूवी? वन ऑफ माय फेवरेट। ओहो, ABCD यानी एनीबॉडी कैन डांस। इसे रेमो डिसूजा ने निर्देशित किया था, बहुत ही प्रख्यात ये एक कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। ऑलराइट, देखिए इन्होंने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया, और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज है, इनका सुपर पावर जो है ना, यानी ज्ञानास्त्र जी, वो हो चुके हैं अब एक्टिवेट। हाँ, देख लिया आपने, चौथी लाइफलाइन आ गई आपके सामने। ऑलराइट अनुषा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रहे कि अब आपके पास 4 लाइफलाइन है। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। रेडी अनुषा? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज वाला प्रश्न है, ओके? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस कीट को डैश वीवल कहा जाता है क्योंकि इसकी गर्दन किस जानवर के जैसी ही लंबी होती है? दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड द डैश वीवल बिकॉज इट हैज अ लॉन्ग नेक सिमिलर टू विच एनिमल? आपको पहले हम तस्वीर दिखाते, कैन वी सी द इमेज प्लीज? ओके अनुषा, देख लिया अच्छी तरह? ऑप्शन सुनिए, ए जुराफ, बी लायन, सी क्रोकोडाइल, या डी डियर। किस जानवर के जैसी ही लंबी होती है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जिराफ। ए पे ताला लगाया जाए। वेल डन अनुषा, इज द राइट आंसर। हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर, और वो देखा जाए? देखते हैं। ओके, सी द वीडियो प्लीज। अरे क्या करूं यार, सबकी याद ही नहीं और मेरी जाति नहीं, छोड़ी बच्ची हो क्या? एक्टिंग तो मुझे बचपन से पसंद है, डांसिंग करती हूँ मैं, वो मेरी हॉबी नहीं है, वो मेरा पैशन है। लॉकडाउन आया तो रेमो पापा जो है वो लाइव आते थे, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ कर दिया, फिर तब से मैं उन्हें पापा बुलाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा डांस कर सकते हो, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, तो वहां से मैंने सोच लिया कि मुझे डांस और एक्टिंग ही करनी है। तो फिर मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि पापा हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे। मैं अप्रैल 2022 में मुंबई शिफ्ट हो गया इसको लेके। पापा तो मेरा ना मम्मा की तरह ध्यान रखते हैं बिल्कुल, और वो मम्मा की तरह ही ट्रीट करते हैं मुझे। जिस पल से देखा है तुझको मन ही पगल गया रे। पापा अच्छे से बनाना टेढ़े नहीं चाहिए। हाँ, तुम रुक जाओ, गर्दन मत हिलाओ। घर का सारा काम वो संभालते हैं, मुझे स्कूल छोड़ना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, इवन मुझे शैम्पू करना भी नहीं आता है, तो वो भी पापा ही करते हैं। तू अनविशा ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि पापा सब्जी में नमक ज्यादा है या रोटी जली हुई है या नमक कम है या ज्यादा है। पहले वाइट कहेगी और कहेगी कि पापा बहुत अच्छी बनी है। तुझ संग बांधी
ये मन की डोरी। इतनी कम उम्र में प्यार करेगी एक माँ की तरह, समझाएगी एक बड़ी बहन की तरह, और बेटी की तरह ऐसे रहेगी, पापा मैं हूँ ना। केबीसी माने का एक रीजन, मैं एक लाइन सुनाती हूँ आपको। पापा कहते हैं हर उस आवाज का जवाब देना है जो कहती थी तुमसे नहीं हो पाएगा। हर उस आवाज का जवाब देना है जो कहती थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत खूब, वेल डन अनुषा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात। बहुत स्नेह और प्यार है आपका और पापा का। जी, हाउ मच डू यू लव योर फादर? बहुत प्यार करती हूँ पापा से। पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी की तरह ध्यान रखते हैं बिल्कुल। okay, okay. कभी मम्मी के कभी महसूस नहीं होने देते। ऑलराइट मुझे रोना धोना बंद कीजिए अब आप। ओके, अरे ये मेरा काम है, टिश्यू बॉक्स देना। बैठ जाइए, एक दो और तीन। पता है मैंने मम्मी को बोला था कि तुम मत रोना जब मैं आऊंगी, उल्टा हो गया। वही हो गया, इसको पहुंचो जल्दी से। ऑलराइट, हाँ जी, हो गया, लाओ दे दो। थैंक यू। ऑलराइट अनुषा, आंसू आंसू पोछ लीजिए, इमोशनल होना छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर तरीके से हमने देखा अभी आपके वीडियो में, आप डांस कर रही हैं और आपने बहुत ही सुंदर एक कोरियोग्राफर को चुना है जिसे आपने अपना गुरु माना है और उनसे आप सीखे। हमने भी कई गाने किए हैं इनके साथ और हमारी तो लात कमर उमर सब टूट जाती थी करने में, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि रेमो को आपने सही चुना, वो आपको बहुत खूबसूरत एक डांसर बनाएंगे। और जिस तरह से आप शीशे के सामने एक्टिंग कर रही थी, ये बहुत अच्छी आदत है। थैंक यू सर। क्योंकि आप अपने आप से बात करती हैं, ऐसे लगता है कोई दूसरा है, हैं तो उसके सामने आप अपने डायलॉग बोल रही हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका चेहरा किस तरह एक्सप्रेशन कैसा। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आप मुझे थोड़े एक्टिंग टिप्स दीजिए, आपने तो बिना बोले दे दिए। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा किस तरह आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रही थी। ऑलराइट सर, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आपने एक कविता लिखी हुई, एक पोएम लिखी है जी अपने पिताश्री के ऊपर। हाँ जी, वो बताना चाहेंगे हमें? मेरे प्यारे पापा ने ही बढ़ाया है मुझे आगे, उन्होंने ही बांधे हैं मेरे और डांस के बीच प्यार के धागे। जब रोती हूँ तो पापा मुझे गोद में लिटाते हैं, अभी भी वो मुझे अपने हाथ से ही खाना खिलाते हैं। रात को जब ठंड लगती है तो पापा के कंबल में घुस जाती हूँ, फिर आराम से लेटकर पापा के पास मैं सो जाती हूँ। पापा मुझे बुलाते हैं छोटू सी मुनिया, पर वो ये नहीं जानते कि वो ही है मेरी सारी दुनिया। वाह क्या बात है। क्या बच्चे हो गए हैं आजकल के जमाने में। वेल डन अनुषा। अब देखिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। yes. अब आएगा सातवां प्रश्न और जैसा कि आपने सुना होगा गेम रूल्स में, अब आपको 60 सेकंड्स मिलेंगे प्रत्येक yes. प्रश्न का उत्तर देने में। सातवां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। यदि आप रूबल में कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आप संभवतः इनमें से किस देश में होंगे? इफ यू आर बाइंग समथिंग इन रूबल्स, इन विच ऑफ दीज कंट्रीज would you most likely be? Okay? Options A, Germany, B, Russia, C, Egypt, या D, Japan. Germany, Rus, Misr या Japan? रशिया लग रहा है, जापान की तो नहीं है, इजिप्ट की भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, डीजे बाबू शांत हो गए हैं और चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? 50-50. ओके, 50-50 को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। जर्मनी मिट गया, बचा है रशिया और जापान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रशिया। रशिया पे ताला लगा जाए, बी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रूबल जो है वो
रूस की मुद्रा है, 100 कोपेक्स में होता है उनके पैसे, कोपेक्स, हाँ, 100 कोपेक्स से एक रूबल बनता है, जैसे यहाँ 100 पैसों से एक रुपया बनता है, वहाँ कोपेक उनको बोलते हैं। और बाकी देशों की मुद्राएं कुछ इस प्रकार हैं, जर्मनी में यूरो, इजिप्ट में इजिप्शियन पाउंड और जापान में येन। रेडी अनुषा, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने आठवां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स। आठवां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। अनुषा, ये रहा। अनुषा, ये एक और इमेज प्रश्न है। कौन सी खिलाड़ी इस पुस्तक का विषय है? विच स्पोर्ट्स पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस बुक? इमेज दिखाई जाए। नीचे लिखा है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। यस सर। ऑप्शन सुनिए, ए सानिया मिर्जा, बी पीवी सिंधु, सी साइना नेहवाल या डी साक्षी मलिक। सोच लेते सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, साइना नेहवाल। सी पे ताला लगाया जाए। वेल डन इज द राइट आंसर। सर सर, इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनका तिल। इनका जो तिल है ना, ये बहुत अच्छा है, इससे सबसे ज्यादा पहचान में आती है। एंड मेडल, वो तो तिल कहाँ से दिख गया आपको? उनको तिल नहीं है, वो देखो उधर चेहरे पे, गाल पे आया। अरे हम उनका बैडमिंटन खेल देखते हैं, आपको तिल दिखाई दे रहा है। हे भगवान। सर आप मुझे बता, आपको थोड़ा लग रहा होगा कैसी कैसी बातें कर रही है, पर बिल्कुल यही कहने वाला था, बोल रही हूँ। और जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये पुस्तक साइना नेहवाल के बारे में है जी। और आप उन्हें लंदन के 2012 ओलंपिक में जीते कांस्य पदक के साथ कवर पे देख रहे हैं। बहुत उमदा खिलाड़ी है और भारत का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, मैं कविता जी आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक वर्किंग मदर हैं, आप काम करती हैं, परिवार से दूर रहना या घर से दूर रहना है काफ़ी मुश्किल होता होगा आपके लिए? यस सर। सर मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और ये लोग यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं। सर अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी आप जब कभी लाइफ में अकेले नहीं रहे हो और आपको पहली बार अकेले रहना पड़े, और स्पेशली जब इतनी अच्छी बेटी और इतने अच्छे हस्बैंड है, उनकी आदत हो जाती है आपको। शादी को 15 साल हो गए, बेटी 11 साल की हो गई, कभी अकेले नहीं रहे, एक रात भी अकेले नहीं रहे हम लोग। पहली बार हम लोग को अकेले रहना पड़ रहा है सर, बहुत बुरा लगता है, लेकिन सर उसके सपने के लिए कुछ तो हमें करना होगा जी। सर जैसे अभी स्कूल वीक चल रहा है, मतलब स्कूल का आज डे है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी स्कूल से रिलेटेड। पूछूं? अच्छे प्रश्न पूछिएगा, अभी तक हमने कितने अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपसे। सर तो मैं पूछती हूँ, जब आप स्कूल में थे तब आप बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? बीच में थे हम। हमारे स्कूल में ऐसा था कि एंड ऑफ द ईयर में जिस क्लास में आपके नंबर आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो उन लोगों को आगे बैठने के वो मिलती थी जगह, और जो लोगों के नंबर कम है या वो क्लास में लास्ट आए हो वो पीछे बैठते। ये तो लेकिन मुझे लगता है ये गलत बात है। वही तो, जो कमजोर होते हैं ना उनके आगे बैठाना चाहिए, ताकि वो और कॉन्सेंट्रेट कर सके। कॉन्सेंट्रेट, उनके ऊपर नजर रखी जा सके, भैया तुम इधर उधर बात बात मत करना, है कि नहीं? यस। बहुत अकलमंद है आप अनुषा जी। अच्छा ये बताइए, कभी आपकी ऐसी कोई शैतानी जो प्रिंसिपल सर ने या टीचर ने किसी ने पकड़ी हो? मैं आपको बताऊं? सर आपने मेरी पोल खोली है, मैं आपकी पोल खोलूंगी, बताइए। जो अपनी बाउंड्री वॉल है उसको हमारे बंधा हुआ था, इसके बाहर नहीं जा सकते आप, और क्योंकि हम पहाड़ों पे थे, अगर पकड़े गए तो बेंत पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग बाउंड्री तोड़ करके, और नीचे शहर था नैनीताल का शहर, जहाँ पर बहुत बढ़िया खाना, स्वादिष्ट मगर पकौड़ी और ये सब मिलते थे बहुत, तो वो खाने का बड़ा मन करता था क्योंकि स्कूल में उस तरह की चीज़ें मिलती नहीं। वहाँ जब पकड़े जाते थे तो 4 बेंत।
अब इसके आगे हम और नहीं बताएंगे आपको। ठीक है ठीक। सर हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, सच सच बताइए, वहाँ पे जो कैंटीन होती थी उसका खाना टेस्टी था? स्कूल का खाना? अब 350 बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि खाना किस प्रकार का मिलता होगा। हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि स्कूल था सब लोग को वही खाना खाना पड़ता था। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता था, दो सेक्शन होते थे। कई बार हम लोग देखते थे कि वेजिटेरियन को अच्छे चावल दाल मटर की सब्जी ये सब मिल रहा है, तो नॉन वेज होते हुए भी हम लोग जानबूझ करके कह देते कि हम वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन में जा करके खाना मिल जा रहा था। और अनमिषा जी चलिए खेल की ओर, नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच इनमें से क्या समानता है? विच ऑफ दीज इज कॉमन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एज ऑफ अक्टूबर 2022? ऑप्शन सुनिए, ए both are women, b both are below 40 years of age, c both are men, d both are of Indian descent. दोनों महिलाएं हैं, दोनों की उम्र 40 वर्ष से कम है, दोनों पुरुष हैं या दोनों भारतीय मूल के हैं? मेरे को आंसर पता है, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। सर लगा दीजिए ऑप्शन डी पे ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। वेल डन अनमिषा, इज द राइट आंसर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या नाम है बताइए? ऋषि सुनक सर। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी। दोनों भारतीय मूल के हैं। ये पहली बार है जब भारतीय मूल के किसी व्यक्ति ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभाला। बहुत प्राउड फील होता है। बड़ा प्राउड फील होता है। ऑलराइट, अब एक और सूचना, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स, खेल का दूसरा पड़ाव। अनुषा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने वाली किस बाघिन की मृत्यु जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश के पेच टाइगर रिजर्व में हुई थी? हैविंग गिवन बर्थ टू 29 कब्स इन हर लाइफ टाइम, विच टाइग्रेस पास्ड अवे इन मध्य प्रदेश पेच टाइगर रिजर्व इन जनवरी 2022? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, ए कलर वाली, बी मछली, सी गुलाबो, डी सितारा। सर मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है कहीं, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं लाइफलाइन लेके। शांत हो जाइए डीजे बाबू, तीन बच्चे हैं आपके पास, ऑडियंस बोल है, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट है और ज्ञानास्त्र है। ज्ञानास्त्र लेंगे। ऑलराइट, कमिटी महाशय ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। ज्ञानास्त्र जो है वो अंकित हो गए। लाइफलाइन लेने से पहले और उसके बारे में जानकारी आपको पता ही है, क्वेश्चन जो है वो फ्लिप हो जाएगा, बदला जाएगा। वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। डी सितारा। डी सितारा पे ताला लगाया जाए, ये गलत उत्तर होता। सही जवाब है कॉलर वाली। 2005 में जन्मी इस बाघिन का ऑफिशियल टैग जो है वो है T15 था। T15 ये उन पहले कुछ बाघों में से एक थी जिन्हें 2008 में रेडियो कॉलर लगाया गया था ताकि उनको देखा जाए कहाँ गई, उनके बारे में रिकॉर्डिंग होती रहती थी। रेडियो कॉलर, रेडियो कॉलर के कारण इस बाघिन को कॉलर वाली जाने जाने लगा। इस बाघिन ने मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इस टाइग्रेस का नाम था कॉलर वाली। अब अन्वेषा जी,
मैं बता दूं कि अन्वेषा ने ज्ञानास्त लाइफलाइन को चूज किया है और इनका ज्ञानास्त है ज्योग्राफी। यहाँ देखा जाए ज्योग्राफी। यस। लेकिन ज्योग्राफी का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगी एक सुपर मंत्र। यस। क्या है वो मंत्र? अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम, बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। ओके, ये आ गया है प्रश्न आपका। यदि आप एंडीज पहाड़ों में पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप इनमें से किस महाद्वीप पर होंगे? इफ यू वर हाइकिंग इन द एंडीज माउंटेन्स, ऑन विच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स वुड यू मोस्ट लाइकली बी? ऑप्शन सुनिए, ए साउथ अमेरिका, बी नॉर्थ अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? एंडीज की बात हो रही है, एंडीज माउंटेन्स। कभी पढ़ा हो अपने क्लास में या बताया गया हो, कहीं मैप में देखा हो। एक लाइफलाइन ले लिया, अगर आप चाहें तो दूसरी लाइफलाइन भी ले सकती हैं। एक और ऑप्शन ए साउथ अमेरिका को लॉक कर दीजिए। ए साउथ अमेरिका कह रहे हैं, ताला लगा जाए। हाथ जोड़ के बैठी हैं आप। सर मेरे को, मैं मतलब 100% श्योर हूँ, बस वो 0.1% का लग रहा है मेरे को। वो 0.1% क्या था? यूरोप पे थोड़ा सा जा रहा था, बट यूरोप में नहीं है। जीत गए आप 3,20,000 पॉइंट। एंडीज इज द राइट आंसर। दुनिया की सबसे लंबी कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, वो दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर स्थित है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। और एक चेक आ गया आपके नाम अन्वेषा जी, भले बच्चा इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अन्वेषा, 3,20,000 पॉइंट इनको मिल गया। देख लिया मम्मी ने। ऑलराइट, 3,20,000 पॉइंट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता दें, एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, टाइम ही टाइम मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी इसको हम कहते हैं, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। और यहाँ पर एक और पड़ाव आ जाता है 15वें प्रश्न पर 75,00,000 पॉइंट्स का, ये है धन अमृत पड़ाव। ऑलराइट, 11वां प्रश्न डालने से पहले बता दें कि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन है, अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। अनुषा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है और हम बताना चाहते हैं आपको कि एक सरप्राइज है आपके लिए। क्या सरप्राइज? Do you want to see your surprise? Yes, surprise के लिए कौन? हेलो, कॉल लगाया जाए। कौन है भाई? पापा! रेमो डी सूजा। पापा! हाय, हेलो, हेलो रेमो। कैसे हो आप? नमस्कार अमित जी। अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच रेमो फॉर कमिंग ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी सब अन्वेषा ने बताया कि किस तरह आप इनके गुरु बन गए हैं और आपको ये पापा बुलाती हैं, कितनी अच्छी बात है रेमो। और मैंने इनको बताया कि रेमो ने हमारी भी बहुत सारी हड्डियां तोड़ी हुई हैं नाच नाच करके। हाउ आर यू प्लेइंग पापा? अभी तक तो सब सही चल रहे। तो अमित जी, आपसे पूछूंगा कैसी खेल रही है हमारी बच्ची? अरे अनबिलीवेबल है रेमो, मैं तो, मुझे यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। इतनी, इतना बोलती हैं, इतनी ज्ञान है इनके पास हर चीज का, और इनके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखा होगा। एंड yes, yes. और जिस तरह से इनके मूवमेंट्स, हमने इनका एक डांस का वीडियो देखा अभी, अनबिलीवेबल yes, कि इस उम्र में इस तरह के इनके मूवमेंट्स हों। और आई एम सो हैप्पी रेमो कि आपकी ट्रेनिंग में है ये, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सही आदमी चुना है आपने, रेमो डिसूजा।
थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये डांस में तो शार्प है ही, लेकिन बहुत दिमाग से भी बहुत शार्प है और बहुत सवाल करती है। जी जी बिल्कुल सही कहा, आपको भी बहुत सवाल तंग कर दिया इसने मुझे सवाल पूछ पूछ करके। एक्चुअली इसने मुझे भी बहुत तंग किया हुआ है। अभी मैंने 10th क्वेश्चन कर लिया है, आप प्रे करते रहो मैं और आगे जाऊं। एब्सोल्युटली एंड फिंगर्स क्रॉस बहुत आगे जाओगे। थैंक यू पापा, बाय बाय, सी यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर पेरेंट्स। एक्चुअली पापा एंड मम्मा, आई थिंक मैं जाने से पहले उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा कि ऐसे पेरेंट्स अगर सारे बच्चों को मिल जाए ना तो कोई भी बच्चा अपने ड्रीम से दूर नहीं हो सकता। वाह क्या बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट कविता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू। अब आएगा 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स का, रेडी? यस। दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई, ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आम की इनमें से किस किस्म का नाम हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए एक प्रसिद्ध युद्ध का भी नाम है? विच ऑफ दीज वराइटीज ऑफ मैंगोज shares its name with a famous battle fought between Humayun and Sher Shah Suri. Okay? Option suniye. A. Dashehri. B. Chosa. C. Malda. Ya D. Badami. मैंने ये कहाँ कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। सर लाइफलाइन। ऑलराइट, दो हैं आपके पास, ऑडियंस बोल है और आस्क द एक्सपर्ट। सर मुझे पता है ऑडियंस को आम बहुत पसंद है, तो मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ऑडियंस जिताना मेरे को। ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। बड़ी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न आपने सुन लिया, एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं। आम की इनमें से किस किस्म का नाम हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए एक प्रसिद्ध युद्ध का भी नाम है? ए दशहरी, बी चौसा, सी मालदा या डी बादामी। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा 50% दिया है बी को, क्या कीजिएगा बताइए? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? ऑप्शन बी चौसा को ताला लगाया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच। ये स्थान आधुनिक बिहार में बक्सर के पास स्थित है। चौसा आम की एक किस्म है। वह चौसा आम मूल रूप से कहाँ का है इसके बारे में कई मत हैं। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर, 12,50,000 पॉइंट्स, रेडी अनुषा? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार एक लव्य के पिता का नाम क्या था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, व्हाट वाज द नेम ऑफ एकलव्यस फादर? ऑप्शन सुनिए। ए हिरण्यधनुष, बी कंक, सी कीच या अंग्रेजी में लिखते हैं कीचिका या कीचक, डी पराशर। नहीं पढ़ा है मैंने ये भी। फिर भी हिरण्य धनुष की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, बट रिस्क नहीं है। लाइफलाइन। ऑलराइट, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। ज्ञानन जी आज के एक्सपर्ट हमारे, जैसे कि हमने बताया था, अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं।
तो इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। अर्चना जी, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अर्चना जी, अन्विशा एक प्रश्न पर अटक गई, आपसे उत्तर मांग रही हैं। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। और इसके लिए आप 45 नहीं 60 सेकंड मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। अगली आवाज अन्विशा जी की। अन्विशा, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, महाभारत के अनुसार एकलव्य के पिता का नाम क्या था? अकॉर्डिंग टू महाभारत, What was the name of Eklavya's father? A. Hiranyadhanush, B. Kanak Kank, C. Kichak, D. Parasara या पराशर? पराशर। अन्विशा, इसका जवाब है हिरण्यधनुष। बाकी तीन भी महाभारत के पात्र हैं, तो कंक है, युधिष्ठिर ने नाम अपनाया था अज्ञातवास के दौरान। कीचक अज्ञातवास में विराट के ब्रदर इन लॉ थे जिनको भीम ने उनका वध किया था, और ऋषि पराशर हैं वो वेदव्यास के पिता थे। तो हिरण्यधनुष हैं, निषाद थे और एकलव्य के पिता। ओके, थैंक यू मैम। सो सर, ऑप्शन ए, हिरण्यधनुष को लॉक कर दिया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। और देखिए, हमने बताया था ना, आगे पीछे इतिहास का भी बारे में उन्होंने बता दिया आपको। बता दिया, इतनी गुणी हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच अर्चना जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्चना जी के लिए। ऑलराइट अन्विशा, चारों लाइफलाइन चली गई, अब बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। गेस वर्क नहीं चलता यहाँ पर, अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3-20। हाँ यस। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ২০১৮ में अमित समर्थ साइकिलिंग में किस एंड्योरेंस रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? इन 2018 अमित समर्थ बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट विच एंड्योरेंस रेस इन साइकिलिंग? ऑप्शन सुनिए, ए टूर डी फ्रांस, बी सिल्क रोड माउंटेन रेस, सी ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम, या डी रॉकी माउंटेन्स राइड। सिल्क रोड माउंटेन रेस, रॉकी माउंटेन्स राइड, ट्रांस साइकिलिंग में इतना नहीं पता है मुझे, मैंने नहीं पढ़ा। सही उत्तर देंगे 25 लाख पॉइंट, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। कोई लाइफ लाइन नहीं आपके पास, कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकते। सुना नहीं आने से आ रहा है तो नहीं पता। नहीं तो सर, मैं क्विट करना, क्विट करेंगे। ऑलराइट, अंतिम निर्णय है आपका। आप 12,50,000 पॉइंट जीतने, तालियां बज जाएं इनके लिए। और अन्विशा, ये जो आपकी जीत है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे और डाल देंगे 12,50,000 पॉइंट्स। 1, 2, 50, ठीक है भैया? यस। इसको कंफर्म करेंगे, ये 12,50,000 पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त। ये खूबी है इस खेल की, सीधा गए इनके अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके, अच्छा एक बार बता दें कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये पाए जाएंगे। ऑलराइट, अब हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम। सी ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम पे ताला लगा जाए। इट्स द राइट आंसर। अगर आप खेलती तो जीत जाती हैं आज आप।
ट्रांस-साइबेरियन एक्सट्रीम रेस रूस से होकर गुजरती है, साइबेरिया से होकर के गुजरती है, ट्रांस-साइबेरियन। ऑलराइट, वेल प्लेड अनुषा जी, थैंक यू सर, तालियां बज जाए इनके लिए। केबीसी जूनियर्स की ओर से आपको एक मेडल भी दिया जाएगा। Well done. Big hand for Anusha Tyagi, ladies and gentlemen.